हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मकई के चूड़े की रेसिपी। इसे आप मकई का मिक्सचर भी बोल सकते हैं। ये चूड़ा बनाना इतना आसान है गाइस कि आप इस चूड़े को 10 मिनट के अंदर ही बना सकते हो और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। ये हमारे मकई का चूड़ा बहुत ही टेस्टी बना है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए गाइस। तो चलिए फटाफट से मकई का चूड़ा बनाना शुरू करते हैं। मकई का चूड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स लिया है और यहाँ पर हमने 50 ग्राम मूंगफली, 2 टेबलस्पून रोस्टेड चना, थोड़ा सी सूखे खोपरे का हमने बारीक पीसेस में कट कर कर ले लिया है, 1 टेबलस्पून जितना किशमिश लिया है और थोड़ा सी कड़ी पत्ता। और यहाँ पर हमने 1/4 स्पून हमने यहाँ पर सौंफ लिया है, 1/4 स्पून हमने यहाँ पर अक्खी धनिया लिया है। यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो गया, हम यहाँ पर मूंगफली को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मूंगफली फ्राई हो रही है, अब इसमें रोस्टेड चना, किशमिश, कड़ी पत्ता, सूखे खोपरे को भी ऐड कर लेंगे ऑयल में। अब हम सभी चीज़ों को फ्राई कर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने सूखा खोपरा, मूंगफली, रोस्टेड चना, कड़ी पत्ता सभी चीज़ों को क्रिस्प होने तक फ्राई कर निकाल लिया है। हम यहाँ पर बाजार जैसा मकई का चूड़ा बना रहे हैं फ्रेंड्स। सौंफ और अक्खी धनिया चूड़े में ऐड करने से बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। हम यहाँ पर छाई की छन्नी से सौंफ और अक्खी धनिया को फ्राई कर रहे हैं। अगर आप सौंफ और अक्खी धनिया को डायरेक्ट ऑयल में डाल दोगे तो ये बहुत ही छोटा छोटा होता है, तो इसे निकालना मुश्किल होएगा। तो इसलिए हम सौंफ और अक्खी धनिया को इस तरह से छन्नी में फ्राई कर रहे हैं। सौंफ और अक्खी धनिया फ्राई हो गई, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम ऑयल में मकई के चूड़े को फ्राई कर लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई करना है। यह हमारा चूड़ा फ्राई हो गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सभी चूड़ों को फ्राई कर निकाल लेंगे। हमने सारे चूड़े को फ्राई कर निकाल लिया है। अब हम इसमें मसाले और नमक ऐड कर लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबलस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे पाउडर शुगर। हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच जितना गर्म मसाला पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर। अगर आप चाट मसाला पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब हमने जो सौंफ और अक्खी धनिया को फ्राई कर रखा था, उसे इस तरह से हाथ से क्रश करेंगे और चूड़े में मिला देंगे। अगर आप सौंफ और अक्खी धनिया ऐड नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन सौंफ और अक्खी धनिया ऐड करने से मकई के चूड़े में बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट और फ्लेवर आता है। गाइस, जब भी चूड़ा गर्म रहेगा तभी आप चूड़े में सभी मसाले ऐड कर दीजिएगा। अगर आप चूड़े को ठंडा होने के बाद मसाले ऐड करेंगे तो चूड़ा जो है मसालों का जैसे कोट नहीं कर पाएगा। इसे अच्छे से हम मिला देंगे। चूड़ा हमारा गर्म है तो आप देख सकते हो मसाले जो है चूड़े में अच्छे से चिपक रहे हैं। आप चाहे तो इसमें काजू और बादाम को भी फ्राई कर ऐड कर सकते हैं, हमने ऐड नहीं किया है। आप देख सकते हो गाइस, हमने कितनी आसानी से मकई का चूड़ा बना लिया। इसे बनाने में 10 मिनट भी नहीं लगे हैं। ये बहुत ही झटपट से बन जाता है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी चूड़ा बनता है। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। आप एक बार चूड़े को इस तरह से रेडी कर लेंगे तब आप चूड़े को एक एयरटाइट कंटेनर में डालकर आराम से 1 से 1.5 महीना तक खा सकते हैं। आई होप गाइस आपको हमारी आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।